नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद में राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कहासुनी हुई। राहुल गांधी अपने भाषण में अग्निवीर योजना को लेकर बोल रहे थे और सरकार ने कैसे सेना को कमजोर किया है इस पर बोल रहे थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर देश को गुमराह किया है। सिंह ने कहा कि हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अग्निवीर मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जब भी आप अनुमति दें मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। फिर राहुल गांधी खड़े हुए और उन पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि रक्षा मंत्री ने सदन को बताया था कि अग्निवीर शहीद के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया था, लेकिन ये केवल बीमा भुगतान था, मुआवजा नहीं। राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी, उनके लोगों और बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने संकेतों में उनको कौरवों की टीम बता दिया और भारत के लोगों को अभिमन्यु। राहुल गांधी ने कहा कि आज फिर से चक्रव्यूह रचा जा रहा है, लेकिन देश की जनता अभिमन्यु नहीं है बल्कि वो अर्जुन है। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक और चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जो अभिमन्यु के साथ हुआ वह हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने मारा था, आज भी चक्रव्यूह के बीच 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। राहुल ने कहा कि चक्रव्यूह बनाने वालों को गलतफहमी है, उन्हें लगता है कि देश के युवा और पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, लेकिन वो अभिमन्यु नहीं हैं, अर्जुन हैं, जो आपका चक्रव्यूह तोड़कर फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैंने बढ़ई साथियों के साथ काम किया, वहां मैंने उनसे पूछा कि आपको किस बात से दुख होता है। उन्होंने बताया, मैं ये टेबल बनाता हूं, लेकिन जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है मैं वहां नहीं जा सकता। इसी तरह मुझे एक मोची भाई ने बताया कि उसका सम्मान सिर्फ उसके पिता ने किया था। बीजेपी के बनाए चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए हम इस चक्रव्यूह को जातिगत जनगणना से तोड़ने जा रहे हैं। हम आपको इस सदन में जातिगत जनगणना पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मिडिल क्लास इस बजट से पहले मोदी सरकार का समर्थन करता था। कोविड में मोदी जी के कहने पर उन्होंने सबसे ज्यादा थाली बचाई, लेकिन बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रहा है और इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। राहुल ने कहा कि आपको मौका मिलते ही आप चक्रव्यूह बना देते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। देश के गरीब सपना ना देख पाए, सिर्फ अंबानी और अडानी 2 लोग भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। इनके पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, इनका भारत के धन पर एक छत्र कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये देश की ताकत हैं। लेकिन सच्चाई है, देश में इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती, इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है। राहुल गांधी ने कहा कि 20 लोगों ने भारत का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है वो 20 लोगों ने बांटने का काम किया। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और फोटो में तो वो भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने उनको पीछे कर दिया। जब राहुल जातिगत जनगणना और पिछड़ों की बात कर रहे थे और कह रहे थे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंस रही थी और अपना माथा पकड़ रही थी। इस पर तुरंत राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री हंस रही हैं, मैडम ये हंसने का मुद्दा नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जब राहुल जी पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व वंचितों के प्रतिनिधित्व का इतना गंभीर मुद्दा उठा रहे थे, देश की वित्त मंत्री हंसकर मजाक उड़ा रही थी, क्या 73% आबादी के विषय में निर्मला सीतारमण जी की ये सोच है? आज उन्हें दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों से व वंचितों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। संसद भवन परिसर में पत्रकारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लगी रोक का मुद्दा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में उठाया। पत्रकारों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इस मुद्दे पर राहुल ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा कि संसद के बाहर पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वहीं पत्रकारों का कहना है कि उन्हें मकर द्वार से हटाया जा रहा है, वो इसी द्वार पर हर तरफ से आने वाले सांसदों से बात करते हैं। पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ये पाबंदी तुरंत हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये पाबंदी उनके कामकाज में बाधा डाल रहा है और अभिव्यक्ति की उनकी आज़ादी को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में पत्रकारों का मुद्दा उठाया क्योंकि उनको संसद भवन परिसर में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रोक लगा दी गई है और उनको कमरे में बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ने राहुल को बदनाम किया और फिर भी राहुल ही उनका ही मुद्दा उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने कहा कि जिसे गोदी मीडिया ने 15 साल बदनाम किया, वही राहुल गांधी आज संसद में उनकी आवाज़ बना, जिसके चरणों में लौट रहे हैं उसी ने मीडिया को पिंजरे में बंद कर दिया, शर्म ने अभी भी नहीं आएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट से पतंजलि को फिर से झटका लगा है। इसने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने उन बयानों को हटाने को कहा जिनमें दावा किया गया था कि एलोपैथी कोविड 19 में लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोना वायरस का इलाज है। इसके लिए अदालत ने उन्हें 3 दिन का समय दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह जुर्माना अगस्त 2023 में दिए गए एक आदेश की अवहेलना के लिए लगाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में पतंजलि आयुर्वेद से कपूर उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पिछले साल एक याचिका दाखिल की थी और उसमें कहा था कि पतंजलि के कपूर उत्पाद उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पतंजलि को कपूर उत्पादों की बिक्री नहीं करने का आदेश दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, अगर 272 प्लस मिलती तो हम सभी को खुशी होती, इसका मलाल हमें भी है और आपको भी। प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान कमजोर नहीं देखना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पिछड़ों को सपा सरकार में सम्मान मिलता तो क्या 2014, साल 2017, साल 2019, साल 2022 में बीजेपी इतनी सीटें जीत पाती? हमने जीत का चौका लगाया है, हमें जीत इस बार भी मिली है, ये लोग कुछ सीटें ले गए हैं, हम लोग आत्मविश्वास में फंसे थे। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार नहीं थी तब भी हम जीते, चुनाव सरकार के बल पर नहीं जीता जाता, चुनाव पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। इस बार चूक हुई है, उससे सबक लेकर साल 2027 में हमें ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही उठापटक के बीच सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता मचाते थे और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंक देते थे। समाजवादी पार्टी के समय उत्तर प्रदेश अपनी पहचान का मोहताज बना हुआ था। विपक्ष फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को रद्द कर दिया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी और उसे रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए मामले की फिर से सुनवाई के लिए इसे हाईकोर्ट वापस भेज दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज 29 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था, फिर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी NCP-SP प्रमुख शरद पवार ने मणिपुर में अशांति जैसे हालात महाराष्ट्र में होने की आशंका जताई है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि एक समय मणिपुर में जहां 2 समुदाय आपस में रहते थे वो अब आपस में बातचीत को भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के विभिन्न जातियों धर्मों भाषाओं के लोग हमसे मिलने दिल्ली आए, वो तस्वीर क्या कहती है? ये प्रांत जो पीढ़ियों से एकजुट था अब अशांत हो गया है। 2 जनजातियों के बीच संघर्ष हुआ, घरों में आग लगा दी गई, खेतों को नष्ट कर दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार किया गया। पवार ने कहा कि आज जब इसी राज्य पर इतना बड़ा संकट आ गया है तो शासकों की जिम्मेदारी है कि वो उसका सामना करें, लोगों को विश्वास दिलाएं, एकता बनाएं, कानून और व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन दुर्भाग्य से आज के शासकों ने इस ओर देखा तक नहीं है। शरद पवार ने कहा कि ये मणिपुर में हुआ, ये पड़ोसी राज्यों में भी हुआ, ये कर्नाटक में भी हुआ और हाल के दिनों में चिंता है ये महाराष्ट्र में भी होगा। सौभाग्य से महाराष्ट्र में कई दिग्गजों की विरासत है, सद्भाव और समानता को बढ़ावा दिया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में PDA 40 पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। भाजपा में सबका साथ विकास और सम्मान है, उनका इशारा समाजवादी पार्टी के PDA के नारे की ओर था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में PDA यानी पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को तवज्जो देने की रणनीति बनाई थी। चूंकि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण हैं इसलिए मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर BSP प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने उन पर PDA को गुमराह करने का आरोप लगाया।
मायावती ने कहा कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया ने आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने में इनकी अपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल वीएसपी सरकार में ही हुआ है, अतः ये लोग जरूर सावधान हैं। गाजियाबाद में सोमवार को कांवड़ियों ने पुलिस लिखी विजिलेंस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए उसको पलट दिया। कांवड़ियों को आरोप था कि गाड़ी ने एक कांवड़िए में टक्कर मार दी। इसके बाद कांवड़ियों का समूह आक्रोशित हो गया, पहले लाठी डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर उसको पलट दिया। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने कांवड़ियों को खास संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि महादेव की विशेष कृपा हम पर बनी रही है और हम निरंतर यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी बनी रहे। उन्होंने कांवड़ियों से कहा कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, बिना आत्म अनुशासन के कोई भी पर्व पूरा नहीं होता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने के बाद हुए हादसे में गिरफ्तार हुए आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने 500 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार को पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद राउज आईएएस स्टडी सर्किल ने एक बयान जारी कर खुद दुख जताया है और कहा कि वो इस हादसे की जांच में सहयोग देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पहले ओल्ड राजेंद्र नगर के सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता और एक अन्य शख्स देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं आज भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के मामले की जाँच में संकेत मिले हैं कि इस इमारत के मालिक और नगर निगम के अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई। अधिकारियों ने रविवार को एक जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ घटना की जांच के लिए कई टीम गठित किए हैं। पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि अब तक की जाँच में घटना के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला कारण, मानसून की शुरुआत से पहले एमसीडी अधिकारियों के सड़क किनारे के नालों की सफाई करने में विफल रहना, और दूसरा कारण बेसमेंट में पानी निकासी की कोई सुविधा ना होना रहा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के वास्तविक कारणों की जांच के लिए कई टीमों का गठन भी किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त के लिए टल गई है। सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी का जवाब बाकी है, इसके लिए हम 1 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से उत्पन्न भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आप नेता और सीबीआई की ओर से पेश वकील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में ड्रूज समुदाय के बच्चों के फुटबॉल मैदान पर एक मिसाइल गिरने के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय युद्ध की चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसमें 12 बच्चों और युवकों की मौत हो गई, 30 अन्य घायल हो गए। हिजबुल्ला ने स्पष्ट रूप से जिम्मेदार होने से इनकार किया है, लेकिन इसराइल ने घातक हमले के लिए लेबनानी समूह को दोषी ठहराया है। हिजबुल्ला को ईरान समर्थक लड़ाका समूह माना जाता है। इसराइल ने कहा है कि उसने पूरे लेबनान में कई हिजबुल्ला साइटों को निशाना बनाया, क्योंकि हिजबुल्ला ने अब रेड लाइन पार कर ली है। 8 अक्टूबर 2023 की घातक लड़ाई की शुरुआत के बाद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि हिजबुल्ला ने तुरंत एक बयान जारी कर कहा कि वो हमले के पीछे अपना हाथ होने से स्पष्ट रूप से इनकार करता है। इसराइल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के बाद प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए। लौटने के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक की। सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योआब गैलेंट को हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है, संकेत यही है कि गोलान हाइट्स पर हिजबुल्ला ने ही रॉकेट दागे हैं। 28 जुलाई को वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी नतीजों पर विवाद करने की तैयारी कर रहे थे। आधी रात के तुरंत बाद नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने कहा कि मादुरो ने मुख्य विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज को पछाड़ते हुए 51% वोट हासिल किए हैं।
पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हरा दिया है। सर्बिया के जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में राफेल नडाल को बड़ी आसानी से हरा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला दूसरे दौर में हुआ। टॉप सीड जोकोविच ने इस मुकाबले में नडाल को 6-1 6-4 से हराया। जोकोविच ने इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल्स में तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने फिर से कमाल कर दिया। उन्होंने मेंस सिंगल्स कंपटीशन में बेल्जियम के जूलियन कैरागी को 21-19 21-14 से हरा दिया। बता दें इससे पूर्व लक्ष्य के पहले मैच को रद्द घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी ने कोहनी की चोट के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 से अपना नाम वापस ले लिया था। इस जीत के बावजूद लक्ष्य के राउंड ऑफ 16 में जाने पर संशय बना हुआ है। पेरिस ओलंपिक के पुरुष हॉकी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला है। ग्रुप स्टेज में भारत का यह दूसरा मुकाबला था। मैच के दूसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना ने पहला गोल किया था। मैच के आखिरी पलों में भारतीय टीम ने वापसी की। मैच में जब आखिरी 2 मिनट शेष थे तो कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को भुनाया और गोल किया। इस गोल की बदौलत भारत को 1-1 से बराबरी करने में कामयाब रहा और मैच ड्रॉ हुआ। इससे पहले भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था। पेरिस ओलंपिक में भारत की खिलाड़ी रमिता जिंदल मेडल जीतने से चूक गईं। वो 145.3 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहीं। रमिता ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल गेम्स में खेल रही थीं। वहीं ओलंपिक के मेंस 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में भारत के निशानेबाज अर्जुन बाबूता मेडल जीतने से चूक गए। अर्जुन बाबूता आखिरी शॉट तक मेडल की रेस में बने रहे थे लेकिन 209.8 पॉइंट्स के साथ उन्होंने इवेंट में 4वें स्थान पर फिनिश किया। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन की ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन के खिलाफ जीत अमान्य कर दी गई। सेन ने उनके खिलाफ जीत हासिल की थी लेकिन बाईं कोहनी में चोट की वजह से कॉर्डन ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। इस वजह से लक्ष्य की जीत को मान्यता नहीं मिली। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।